स्टाफगण और प्यारे बच्चों, आज आपको हम लोग अबेकस के बारे में एक इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं। अबेकस है क्या? पहाड़े रटाते हैं और बच्चे 20-30 तक रटने के बाद वो भूल जाते हैं। अगर बच्चे क्या, अगर एक एक्सपर्ट टीचर से भी पूछा जाए कि 289 × 52, तो शायद बिना पेन के जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन अब एक ऐसी शिक्षा पद्धति पनप चुकी है जिससे आप लोगों का मेंटल मैथ बहुत फास्ट हो जाता है, जिससे आगे फ्यूचर में आपको कॉम्पिटिशन में बहुत बेनिफिट मिलने वाला है और आपकी क्लासेज में मिलने वाला है। इसके अलावा बच्चों का कंसंट्रेशन पावर, उनका फोटोग्राफिकल मेमोरी, ये सारी चीज़ें बिल्ट होती है। यानी ये पूरा ओवरऑल ब्रेन डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम है जो राज पब्लिक स्कूल यानी आपके विद्यालय में स्टार्ट किया जा रहा है। तो अभी मेरे साथ में मैं कुछ बच्चों को लेके आया हूँ जो आपकी एज के ही हैं, जो पिछले कुछ महीनों से मेरे पास इस चीज़ की ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो मैं उनका एक डेमो भी दिखाना चाहूँगा और आप भी अपनी तरफ से इन लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और ये आपको जवाब भी देंगे। ठीक है सर? और ये उस चीज़ का जवाब देंगे। तो जिनके हाथ में मोबाइल है वो मोबाइल निकाल लें ताकि आप लोगों को ये भी मालूम पड़ जाए कि ये बच्चे जो जवाब दे रहे हैं वो सही हैं। फिर एक तो क्वेश्चन आप भी बना सकते हो और फिर आप भी पूछ सकते हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये क्वेश्चन रट के ही आए हो। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से भी इस प्रकार के क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। क्लियर? हाँ, सिंगल डिजिट 20। मोबाइल निकाल लिया आप लोगों ने, उसको आप एडिशन कर लेना। 7 6 5 5 5 4 4 5 2 7 2 6 5 3 3 2 1 9 4 9, दैट इज 94। सही है क्या आपने ऐड किया? ठीक है, वैसे तो नॉर्मली ये मैंने आपको बोला है ऐड करने के लिए, लेकिन इतना फास्ट आप कैलकुलेटर से भी ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, और आप इन बच्चों को कोई भी टेबल दो, कोई भी पहाड़ा दो, ये बच्चे 1000 तक टेबल्स आपको बोल के दिखाएंगे, जबकि नॉर्मली स्कूल्स के अंदर 20 और 30 तक के बाद हम लोग टेबल्स को आगे टच ही नहीं करते, क्योंकि मुश्किल बहुत होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस कोर्स से केवल मैथ अच्छा नहीं होगा, आपने देखा होगा इन लोगों ने एक भी नंबर को मेरे से रिपीट नहीं करवाया। इनका लिसनिंग पावर और उनका फोटोग्राफ मेमोरी इतना तेज है कि नंबर्स को ये काफी देर तक याद भी रख पाते हैं और बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन को कर पाते हैं। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, फिर आप में से बच्चों में जो क्वेश्चन पूछना चाहें, कोई भी मल्टीप्लाई डिविजन, तो ये बच्चे करके दिखाएंगे। और इसमें आंसर भी लिखा हुआ है, तो आपको टोटल भी नहीं करना पड़ेगा, अगर कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है। हाँ, डबल डिजिट 5 रो, 30 47 91 25 36, डेट इज 229। ये इसका आंसर है। अब आप देख रहे हैं, केवल आप इसको ये नहीं देखे कि मैथ अच्छा हो रहा है, सबसे बड़ी बात क्या है, एक नंबर को सुनना, माइंड में स्टोर करना, फिर अगले नंबर को सुनना, उसमें प्लस करना और तीसरे नंबर के लिए अपने कान को प्रिपेयर करना, यानी एक सेकंड में दो नंबर्स को सुनना और ऐड करना। यहाँ पर एडिशन तो सेकेंडरी चीज है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनका बच्चों का कंसंट्रेशन, उनका लिसनिंग पावर इतना तेज हो रहा है कि उनको आसानी से ये लोग ऐड कर पा रहे हैं। ठीक है, और आप कोई भी एक टेबल बोलो जो आप दे सकते हैं, ये बच्चे टेबल बोल के दिखाएंगे। टेबल बोल के दिखाओ। 82 162 48 468 456 678 738 820 820 लास्ट, यानी इसने 82 का टेबल बोल के दिखाया और ये सेकंड क्लास का बच्चा है। ये तो नॉर्मली सेकंड क्लास तक 20 से ज्यादा टेबल्स नहीं आती है और एक्चुअली इसने रटा भी नहीं है। आप कितना भी आपको ट्रिपल डिजिट दो, आप कोई भी एक ट्रिपल डिजिट 1000 तक का टेबल बोलो, आप बोलो बेटे एक ट्रिपल डिजिट का नंबर बोलो, एक 172 384 516 680 8 860 1032 1204 1376 1420। ओके, अब ये बच्चे आपके एज के हैं और इतने सारे बच्चों के सामने खड़े हैं, थोड़े हेजिटेज भी हैं। अगर इनको ये बोर्ड दिया जाता है, लिखने के लिए बोला जाता,
तो इससे फास्ट और कई गुना तेज भी इन चीजों को कर सकते थे। हम इतने बच्चों के सामने थोड़े से घबराए हुए रहते हैं, ठीक है। अब इन लोगों से मल्टीप्लाई पूछे, क्लियर। चलो आप भी पूछो, कोई भी क्वेश्चन पूछो आप, और इसमें से जो लेना चाहे ले सकता है। इसमें आंसर भी लिखे हुए, करीब 40,000 क्वेश्चन है। आप में से कोई पूछना चाहे तो इस बुक को लेकर भी पूछ सकता है, क्लियर। अब बताइए आप, 44 मल्टीप्लाई 5 220, यानी इतना आप कैलकुलेटर से भी प्रेस नहीं कर सकते। तो आप इसको, ये प्रोग्राम आपको शॉर्ट में दिखाया जा रहा है, टाइम के अभाव की वजह से। प्रोग्राम तो बहुत सारे थे जो दिखाने थे, यहाँ बोर्ड लगाकर आपको एक बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखाया जाता। 4 डिजिट का 5 डिजिट का एक सामान्य आदमी के लिए एडिशन करना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन ये बच्चे कर पाते हैं। आज एक सामान्य पर्सन के टीचर से भी, हम लोगों से भी बोल दिया जाए कि 289 में 17 से डिवाइड करो, तो शायद इतना बड़ा डिवीजन हम लोग बिना कैलकुलेटर के तो कोशिश ही नहीं करते। तो ये प्रोग्राम है जो आप लोगों के स्कूल में स्टार्ट किया जा रहा है, जिसका एक डेमोन्स्ट्रेशन शॉर्ट में मैंने आपको दिखाया है। तो आप में से कोई और भी देखना चाहेगा या कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, वरना टाइम की वजह से मैं प्रोग्राम को थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।